तो वीडियो का थंबनेल देख के आप सब लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इस तरीके का एक रील इंस्टाग्राम के रील्स पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है। आई कांट गेट यू ऑफ माई माइंड करके एक सॉन्ग है, इसके ऊपर इस तरीके का एक रील बन रहा है। और आप देख सकते हो इस रील में यहाँ पे एक इफेक्ट आ रहा है, हार्ट्स का या इमोजी का इफेक्ट आ रहा है। तो इस इफेक्ट को अप्लाई करके अगर आपको ये रील बनाना है या वीडियो बनाना है तो आप कैसे बना सकते हो, इसका ट्यूटोरियल मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। तो इस तरीके का वीडियो अगर आपको बनाना होगा तो सबसे पहले तो आपको आपके मोबाइल में जो इंस्टाग्राम का एप्लीकेशन है इसे ओपन करना है। इंस्टाग्राम का एप्लीकेशन आप ओपन करोगे तो ऊपर के साइड में आपको एक प्लस का आइकॉन दिखेगा, उसके ऊपर आपको टैप करना है। प्लस के आइकॉन के ऊपर जैसे आप टैप करोगे तो अभी आप राइट हैंड साइड पे देख सकते, नीचे आप देख सकते हो एक पोस्ट करके लिखा हुआ है, उसके राइट हैंड साइड पे स्टोरी और रील्स करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जहाँ पे रील्स लिखा हुआ है उसके ऊपर आपको टैप करना है। रील्स के ऊपर आप जैसे ही टैप करोगे तो यहाँ पे आपके मोबाइल का जो बैक कैमरा है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है, आप देख सकते हो स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, उसमें का जो फोर्थ नंबर पे जो ऑप्शन है जहाँ पे तीन स्टार बने हुए हैं उसके ऊपर आपको टैप करना है। इसके ऊपर टैप करने के बाद अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रेंडिंग रील्स अपेयरेंस करके ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो इसमें का जो फर्स्ट ऑप्शन है जहाँ पे एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, सर्च आइकॉन आप जिसे बोल सकते हो, उसके ऊपर आपको टैप करना है। और यहाँ पे अभी आपको जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ इस तरीके से आपको टाइप करना है, डी जे कैपिटल में, इसके बाद जी ई एम ओ वाई। तो इस तरीके से आप जैसे टाइप करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट आने चालू हो जाएंगे। तो इसमें का जो फर्स्ट इफेक्ट है जहाँ पर मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, आप इसका लोगो देख लो, तो ये वाला इफेक्ट आपको यूज़ करना है। इफेक्ट को यूज़ करने के लिए सिंपली उस लोगो के ऊपर आपको टैप करना है। यहाँ पे आपका जो मोबाइल का बैक कैमरा है वो आपका उसका स्क्रीन यहाँ पे दिखेगा, कैमरे का स्क्रीन, इसके ऊपर आपको फिर से टैप करना है। इसके ऊपर आप टैप करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे आपको तीन चार अलग अलग कलर के हार्ट्स दिखेंगे, तो वो उस कलर के मतलब अलग अलग इफेक्ट सेम ही रहेंगे लेकिन अलग अलग कलर में वो आ जाएंगे। तो उसमें का आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको करना क्या है, मोबाइल का जो बैक कैमरा है इसके सामने कुछ इस तरीके से आपको कुछ हाथ करना है और ये वीडियो को रिकॉर्ड करना है। तो आपको बताए तो रिकॉर्ड करने के लिए आप सेंटर में जो लोगो दिख रहा है आपको इफेक्ट का, उसके ऊपर आपको टैप करके रखना है। और जितना टाइम तक आप टैप करके रखोगे उतना टाइम तक ये रिकॉर्ड होगा, जब भी आप इसे रिलीज़ कर दोगे तो वहाँ तक आपकी रिकॉर्डिंग मतलब उतना जो जितना रिकॉर्ड हुआ है वहाँ तक वो स्टॉप हो जाएगा। तो अभी आपको मैं एक एग्जांपल के लिए करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे रिकॉर्ड के बटन के ऊपर आपको प्रेस करके रखना है सबसे पहले। तो इस तरीके से अगर आप इतना रिकॉर्ड करके रिलीज़ करोगे तो यहाँ पे ये आपका जो इफेक्ट है, इफेक्ट के साथ ये जो रील है मतलब ये वीडियो है ये बन जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है, राइट हैंड साइड पे आपको एक प्रीव्यू का ऑप्शन है, उसके ऊपर टैप करना है। इसके ऊपर आप जैसे ही टैप करोगे तो जो आपने वीडियो रिकॉर्ड किया था वो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कैसे मतलब ये वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है। तो यहाँ पे अभी आपको करना क्या है, इस वीडियो के लिए एक बैकग्राउंड ऑडियो है जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, तो वो ऑडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस लिंक के ऊपर आपको जाना है, लिंक के ऊपर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको एक सेव्ड ऑडियो करके एक ऑप्शन आएगा, तो उसके ऊपर आपको सिंपली टैप करना है। उसके ऊपर टैप करके आपको उस लिंक को बंद कर देना है। इसके बाद इस तरीके से आपको जैसे मैंने बताया उस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड करना है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे एक म्यूजिक का ऑप्शन है, तो म्यूजिक के ऑप्शन पे आपको जाना है। यहाँ पे एक ऐड का ऑप्शन है, तो ऐड के ऑप्शन के ऊपर आपको जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव्ड का जो ऑप्शन है इसमें जाना है। सेव के ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे जो म्यूजिक का लिंक मैंने दिया हुआ था वो यहाँ पे आपको दिखेगा, तो उस लिंक के ऊपर मतलब आपको इस तरीके से टैप करना है, तो वो जो म्यूजिक था वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से इस म्यूजिक मतलब ये बैकग्राउंड ऑडियो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। बैकग्राउंड ऑडियो ऐड करोगे तभी आपको ये कैमरा का ऑडियो इसे आपको जीरो करना है, और यहाँ पे जो भी बैकग्राउंड ऑडियो आप ऐड किए होगे उसका ऑडियो आपको 100 कर देना है। इसके बाद आपको जो कैमरा का स्क्रीन है उसके ऊपर फिर से टैप करना है। इसके ऊपर टैप करने के बाद नीचे आपको एक राइट हैंड साइड पे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर टैप करना है। इसके ऊपर आप जैसे ही टैप करोगे तो यहाँ पे कवर सिलेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, तो वीडियो में से कोई भी एक पार्ट एज अ कवर आप सिलेक्ट कर सकते हो। या फिर नीचे आपको ऐड फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन है, उसके ऊपर टैप करके भी आप गैलरी में से भी कोई एक स्पेसिफिक फोटो एज अ कवर यहाँ पे रख सकते हो। इसके बाद आपको डन करना है।
और यहाँ पे कैप्शन का ऑप्शन है, तो कुछ भी आप कैप्शन वगैरह भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसके बाद आपको करना क्या है, कैप्शन ऐड करने के बाद नीचे एक शेयर का ऑप्शन है, तो शेयर के ऑप्शन पे आप जैसे ही टैप करोगे तो यहाँ पे आपका जो बनाया हुआ वीडियो है ये एज अ रील इंस्टाग्राम के फीड पे आपका पोस्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप एक बना सकते हो। तो ये हो जाने के बाद आपको और एक बताया, तो जैसे आपने ये जो इफेक्ट यूज़ किया तो इस तरीके से और एक इस तरीके से एक इफेक्ट है उसे भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे ये एक इफेक्ट हो गया, तो दूसरे इफेक्ट का नाम मैं आपको अभी यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ, इस तरीके से आपको टाइप करना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने यहाँ पे टाइप किया इट्स माई लाइफ XMII IM2, लेकिन जैसे मैंने स्पेस वगैरह देके जैसे टाइप किया, ऐसे आपको टाइप करना है। ऐसे आप टाइप करोगे तो यहाँ पे एक इफेक्ट आ जाएगा जो फर्स्ट नंबर पे आपको दिख रहा है, तो ये वाला इफेक्ट आपको यूज़ करना है। इसके ऊपर आपको सिंपली टैप करना है, यहाँ पे फिर कैमरे का स्क्रीन आ जाएगा, तो यहाँ पर भी आपको 1, 2 ऐसे दिखेंगे, दोनों मतलब अलग अलग थोड़े कलर टोन के इफेक्ट है, तो इसमें का भी कोई भी इफेक्ट आप यूज़ कर सकते हो। बाकी यूज़ करना तो इसको भी सेम ही है, जो बीच में सेंटर में बटन है उसके ऊपर आपको टैप करके रखना है और यहाँ पे जो इफेक्ट है ये अप्लाई हो जाएगा। जैसे जो फर्स्ट इफेक्ट अप्लाई हुआ था वैसे ही ये वाला इफेक्ट भी अप्लाई यहाँ पे हो। तो जितना वीडियो आपको रिकॉर्ड करना है उतना रिकॉर्ड हो जाने के बाद आपको सिंपली इस बटन को रिलीज़ कर देना है। इसके बाद जो प्रीव्यू वगैरह है वो बाकी का आगे का प्रोसेस सेम ही है। इसमें जो ऑडियो वगैरह बैकग्राउंड ऐड करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो, सिर्फ ये अलग एक इफेक्ट है, तो ये वाला इफेक्ट भी आप इस ट्रेंड के लिए यूज़ कर सकते हो। तो बस इस तरीके से आप ये ट्रेंडिंग रील बना सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।